वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट टू है। हमने पार्ट वन ऑलरेडी बना दिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको करंट अफेयर्स से बहुत अपडेटेड रहना है। सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपका फैक्चुअल डेटा। देखिए, कोई कितना भी कहे कि रटना पड़ता है या बार बार पढ़ना पड़ता है, कैसे भी आप समझ लीजिए, आपको फैक्ट में बहुत ही साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट से ही आपकी नॉलेज का असली पता लगता है। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो सॉन्ग्स तक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्रिपल आर मूवी पे क्वेश्चन पूछे गए कि आप उससे क्या समझते हैं, उसके गाने से क्या समझते हैं। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, क्या आप मानते हैं ये जीवन जहर है, क्या आप पियेंगे इस जहर को, इस तरीके के सवाल डायरेक्टली पूछे गए कुछ कैंडिडेट से। उसमें आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। और अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स में भरपूर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यूसीसी रिपीटेडली पूछा जा रहा है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस, साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप उससे क्या समझते हैं, आत्मनिर्भरता की बात हम क्यों कर रहे हैं जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखनी पड़ेगी। रिट्स क्या होती हैं, आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, कितनी रिट्स हैं, आप कहां जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, कौन सी रिट में। प्रीएम्बल पूछा गया कि प्रीएम्बल का लास्ट पार्ट आप बोल के बताइए, 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों 26 जनवरी सिलेक्ट किया गया, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो, कौन सी विमेन को मानते हो रोल मॉडल, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टर्की का अर्थक्वेक। देखिए, करंट अफेयर्स तो कहने की बात है ही नहीं, सुबह का भी अखबार पढ़ के जाना जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां से भी आपके सवाल बहुत सारे आएंगे ही आएंगे। बात करें एनवायरमेंट से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल कैसे बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं, ब्लू येलो पिंक क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो आपको उसमें बताना होगा। बहुत बेसिक सवाल भी पूछे गए, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने स्केड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है, सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर से आप क्या समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, डायस्पोरा क्या होता है, जियो मैपिंग क्या होता है, कार्बन टैक्स किसे बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, आपको फैक्ट प्रिपेयर करना ही करना होगा। किताबों के नाम दिए गए, तो जूके बाबरी, तो जूके जहांगीरी सुना है ना आप लोगों ने, नाम कौन सी भाषा में थी, ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही होलिस्टिक करनी होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी गई, श्लोक दिए गए, बोला कि इससे आप क्या समझते हैं, तो इसमें अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हैं सर सॉरी वी डोंट नो द आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए ऑप्शनल रिलेटेड। तो सबसे पहले तो अब ये नहीं कि ऑप्शनल हट गया है, तो यूपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है लगातार, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ईव टीजिंग, लिव इन रिलेशनशिप कैसे हैंडल करेंगे, फीमेल कैंडिडेट से पूछा जा रहा है कि आपका पोस्टिंग हो गई है किसी झगड़े वाले डिस्ट्रिक्ट में, आपके हस्बैंड है, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप कैसे मैनेज करेंगी, कैसे बैलेंस बनाएंगी अपनी लाइफ में, ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं। विमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, यूपी में विमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जा रहा है, और फर्स्ट अमंग इक्वल्स का मतलब क्या होता है, क्या मोदी जी हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और योगी जी तो बाबा हैं और वो इलेक्ट हो गए हैं सीएम के पोस्ट पे, तो आप इसको ठीक मानते हैं, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इन सब सवालों को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन होलिस्टिक करनी होगी। फैक्ट आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाले, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इंटरव्यू तक पूरा पूरा बोर्ड ऐसा बैठा है जिसमें सिर्फ फैक्ट पूछा है। गिफ्ट ऑफ नाइल किसको बोलते हैं, इजिप्ट को क्यों ऐसा कहा जाता है, सॉइल्स बताइए इंडिया की, मिनरल्स बताइए, सब कुछ जो हम डायरेक्टली पापा वीडियोज में आपको एंड में प्रीलिम्स के प्रोवाइड कराते हैं ना, उनसे बहुत सारे सवाल आए हैं। तो ये दर्शाता है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम होलिस्टिक होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जो आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। अब लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे खासकर हमारे प्रीलिम्स के लिए, बाकी हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें हमारी टेस्ट सीरीज मटीरियल, पेड क्विज बहुत ही हाई यील्डिंग क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसमें। तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा मजबूत करना है या फिर कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे और जल्द ही बहुत सारे वीडियोस हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। तो आशा करती हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट डाउन। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, एकदम हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।